बिहार के सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर आरजेडी खेमे से आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आसमानी तख्ता पलट नहीं होने देंगे, आसानी से माफ करेगा। कहते हैं कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, यानी जो ये रार तकरार थी वो थोड़ा खुलकर और मतभेद सामने आ रही है। कह रहे हैं कि इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। आज तेजस्वी यादव ने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। सुजीत झा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, ये जो तल्ख तेवर है, ये जो स्टेटमेंट है, क्या संकेत है? देखिए, ये जो मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि इस बार जो है इतना स्मूथ बदलाव नहीं होगा जिस तरीके से 2017 में महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार चले गए थे एनडीए में। इस बार पूरी तैयारी है आरजेडी की तरफ से कि किसी प्रकार से भी रोका जाए एनडीए को सरकार बनाने से। तो इसके लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। आज 1 बजे विधायक दल की बैठक है। तेजस्वी को अगर मान लीजिए नहीं भी बनना पड़े मुख्यमंत्री, किसी दलित को भी उसमें आगे किया जा सकता है। और इसके लिए रात भर हम कह सकते हैं कि इसके लिए कवायद की गई है। रात भर मीटिंग चली है आरजेडी में और मनाने की कोशिश भी हो रही है। तो देखिए, अभी 1 बजे की मीटिंग में अगर इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं तो स्पष्ट रूप से बातें सामने आ जाएंगी कि वो कौन दलित चेहरा होगा। दूसरा ये है कि आरजेडी का ये लेकिन है कि नंबर्स कहां से लाएंगे और किस तरह से ये समीकरण बन सकते हैं, अगर मगर सब कुछ देखते हुए? देखिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 78 है, 78 है बीजेपी के और 45 है जेडीयू के, तो 123 हो जाते हैं ये, जबकि नंबर चाहिए 122। तो बिना तोड़ फोड़ के ये संभव नहीं है या किसी को अपडेट किया जाए या इस प्रकार से। बाकी जो दल बचे हुए हैं, जो भी है, चाहे हम पार्टी है, चाहे ओवैसी की एक विधायक है, निर्दलीय है, इन लोगों को कोशिश की जाए। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए।